नगर परिषद रेहटी द्वारा 35 सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। जिले के सभी नगर परिषद क्षेत्रों में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के अंतर्गत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। दरअसल नगर परिषद रेहटी द्वारा स्रोत पर कचरा पृथककरण को लेकर मुहिम चलाई गई। इससे कचरे का निपटान हुआ और नगर परिषद स्वच्छ हुआ। नगर परिषद द्वारा इस कार्य में लगे करीब 35 कर्मियों का सम्मान करके उन्हें आगे भी इसी तरह का काम करने के लिए प्रेरित किया गया। नगर परिषद द्वारा स्वच्छता अभियान के साथ साथ आज ये पार्क विकसित हुआ, कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल में उन्नत कार्य हुए और नगर को कैसे साफ एवं स्वच्छ रखें इस विषय में आप बताएं। पार्क तो ये आप सभी के आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का ने जो विकास किया था दिया था अपन को, वो किया है अपन ने। और स्वच्छता में मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद तो यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी को देती हूँ, दरोगा और स्वीपर जो रात दिन मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन हम लोगों से थोड़ा सा वो आधे अधूरे रहते हैं, हम लोग सहयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप और हम सब मिलकर उनका सहयोग करेंगे, दुकानदार व्यापारी सभी लोग, तो हमारा नगर स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा। क्या कार्यक्रम था और स्वच्छता के लिए नगर रेहटी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रेहटी नगर स्वच्छ तो है, लेकिन अधिक स्वच्छ बनाने के लिए हमें जन जागरण करना पड़ेगा। बगैर भय के प्रीत भी नहीं होती, इसलिए दुकानदारों के साथ ज्यादा नहीं, थोड़ी सख्ती सख्ती नहीं बल्कि उनको प्रेरणा दें, उनसे कहें कि अपने प्रतिष्ठान में जो है ना डस्टबिन रखें, थोड़ा सा भी कचरा यदि कहीं दिखे उसको डस्टबिन में डालें, ग्राहकों को भी समझाएं। बगैर जन सहयोग के रेहटी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकती, साफ सुथरी नहीं हो सकती। जितने भी शहर साफ सुथरे हुए हैं जैसे इंदौर, वहाँ जन सहयोग से हुआ, जनता में भावना जागी कि हमारा शहर हमारा नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो। अब वो स्वच्छ कब होगा? सब कर्मचारियों के वजह से ही नहीं होगा, कर्मचारी तो साफ सफाई समय समय पे करेंगे, लेकिन उसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा। बल्कि जैन साहब प्रयास करें, अपन टोटल दुकानदारों को नोटिस दें जी, और जो दुकानदार अपने प्रतिष्ठान में डस्टबिन ना रखे या वहाँ गंदगी पाई जाए, कचरा पाया जाए, तो उनके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान है जी, जुर्माना भी उन पे किया जाए जी। मैं तो ये कहूँगा कि हम सारे लोग रेहटी को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, तभी ये रेहटी बिल्कुल स्वच्छ हो पाएगी। बगैर जन सहयोग के कोई भी काम संभव नहीं है।